कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो कभी कैसी कोई दूरी आपको पता है कल अदनान की सालगिरह है। है तो तुम्हें इससे क्या? तुम तो वैसे ही उससे रूठी हुई हो। और ये सालगिरह का स्यापा तो हर साल आता है। बुरा मत मानना। तुमने उसे कुछ ज़्यादा ही ढील नहीं दे दी। परसों मैंने उसे शॉपिंग मॉल में देखा था। अकेली शॉपिंग कर रही थी। रुखसाना हमारे घर पे कोई मर्द नहीं है। आपको तो किताब पढ़ने से फुर्सत ही नहीं है, कुछ बच्चों के बारे में भी सोचिए। सारा और अदनान की मंगनी को 8 महीने हो गए और इन 8 माह में कोई 10 मरतबा इन दोनों के दरमियान नोकझोंक हुई होगी। जब मंगनी का दौरानिया लंबा हो जाए तो आपस में खटपट होनी तो लाजमी हो जाती है। सारा को तो कह दो कम उम्र लड़की है, मगर अदनान को तो समझदारी से काम लेना चाहिए। अरे बाबा, आजकल की नई नस्ल में सब्र है कहाँ? जिसको देखो अंदर से बेशक वो खाली ही क्यों ना हो, मगर गुस्से से लबालब भरा होगा। मैं तो परेशान हो गई हूँ, कभी सारा का मुंह बना हुआ देखती हूँ, कभी अदनान का। तो फिर इसका एक ही हल है कि इन दोनों की फौरन शादी कर दी जाए। हाँ ये ठीक है, मगर सारा की माँ ये बात मानेगी? आपको तो पता है वो उल्टे दिमाग की औरत है, सीधी बात को भी उल्टी तरह देखती है। अब जब तुम उनके घर जाओ ना तो उन्हें कहना बाबा हमें जहेज वहेज की कोई जरूरत नहीं है, हम तो शादी सादगी से चाहते हैं। इस बात से तो यकीनन खुश हो जाएंगे। उसे खुश रहना चाहिए, आखिर वो हमारी समधन है। बड़ी खूबसूरत समधन है हमारी, अल्लाह ही खैर करे। आज मेरी अम्मी तुम्हारे घर जाएंगे। लेकिन आज मेरी साल की रात है। कोई खास बात करने जा रही। अच्छा, कौन सी खास बात? हमारी शादी की। वो तो जाहिर सी बात है, हमारी शादी तो होनी है, अब वो क्या डिस्कस करने आ रही है इस पर? उफ, सारा वाकई बहुत मोटी अकल है तुम्हारी। भाई साफ साफ बताए ना। आज अम्मी कहने आ रही हैं कि हम दोनों की शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। हाँ तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ मुझे भी अच्छा लगा। जानू मैं तो जानू तेरी बातें मीठी मीठी, पर करूं कैसे करूं मैं भरोसा? बड़ी मुश्किल है ये, डरता ये दिल है ये, हो ना जाए कहीं कोई धोखा। अरे ये क्या कर रही है, कॉलेज से आते ही सफाइयों में लग गई। जा जाके मुंह हाथ धो, खाना खा, बाद में कर लेना सफाई। घर कहीं भागा नहीं जा रहा? ड्राइंग रूम में इतनी मट्टी थी, इतनी मुश्किल से साफ किया मैंने। अरे तो है मट्टी तो रहने दे, हमारे घर कौन आता है? आज हमारे घर खासुल खास मेहमान आ रहे हैं जिन्हें हमें अपने सर पे बिठा के रखना चाहिए। इतनी इज्जत मैं किसी को नहीं देती, समझी? वैसे आ कौन रहा है? मेरी सास। भाई वो क्या करने आ रही है? क्योंकि वो चाहती है कि मेरी और अदनान की शादी जल्द से जल्द हो जाए। इतनी जल्दी? हाय हाय, लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे जाने से उनके घर में रौनक हो जाएगी। लेकिन मेरे घर में तो वीरानी हो जाएगी ना।
तो क्या हुआ? मैं आपसे मिलने रोज आया करूंगी, सिर्फ 32 ही तो सीढ़ियां हैं, सुबह शाम आया करूंगी, बल्कि सुबह शाम भी नहीं, मैं रात को सोने से पहले भी आ जाया करूंगी, वादा। नहीं आ सकती तू, तुम्हारी सास ही नहीं आने देगी। अच्छा खैर छोड़े ना, आज एक बात का ख्याल रखिएगा। वो क्या? आज आपकी मेरी सास से कोई बदमजगी नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब, मैं लड़ाका हूँ? अच्छा ये सबक तुझे अदनान ने दिया होगा। हाँ। हाय हाय, ये लड़का तो मुझे लगता है हुर्फों से बना हुआ है। या अल्लाह मेरी बच्ची पे रहम कर दे, मुझे तो ऐसा लगता है मैं अपनी बेटी की शादी भीड़ के छत्तों से कर रही हूँ। मैं अगर आपकी बात मान भी लूं कि ये शादी सादगी से हो जाए तो नुकसान तो मेरी बेटी का हुआ ना। बहन इसमें नुकसान वाली कौन सी बात है? अब देखें, आपने कहा कि हमें जहेज नहीं चाहिए, ये बात तो मेरी समझ में आ गई, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप भी ये शादी सादगी से करना चाह रही। मैंने ऐसी कौन सी मुश्किल बात कही है जो आपकी समझ में नहीं आ रही? देखो मुनीरा बहन, अगर आप भी इस शादी में सियासत दिखाएंगी ना तो मेरी बेटी के तो अरमान पूरे नहीं हुए ना। मैं समझी नहीं। अब मैंने अंग्रेजी में तो बात नहीं की जो समझ नहीं आ रही। वैसे मुझे भी अंग्रेजी आती है, हमारे स्कूल के अंदर इंग्लिश टीचर नहीं आती थी तो मुझे क्लास लेने के लिए भेज दिया जाता था। आप खुलकर बात कीजिए। मैं हरगिज ये नहीं चाहती कि आप अदनान की शादी में पैसे बचाएं और घटिया सी बरी हमारे मुंह पे मार दे। मेरा एक ही बेटा है, मैं उसकी शादी के मौके पर क्यों ड्रामे करने लगी? भाई बुरा नहीं मानना बहन, अक्सर लोग ऐसा ही करते। अल्लाह बख्शे हमारी सास को, वो भी बहुत घटिया थी, वो भी इसी किस्म की हरकतें करती थी, बहुत ड्रामा थी वो। आज होती जिंदा तो सारे चैनल पे उन्हीं के ड्रामे चल रहे होते। आप भी अजीब खातून हैं। आपको ये बात तो पसंद आई कि हम जहेज न लें, मगर आपको ये बात पसंद नहीं कि हम इसराफ से बचें? हाँ, नहीं आई पसंद आपकी ये बात। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से हो, रंडुओं की बारात ना आ जाए मेरे घर पर। ठीक है, मैं मशवरा करके बताऊंगी। तो ठीक है, जब भी आया करो मशवरा करके आया करो और पेट भर के मशवरा किया करो, और हाँ क्लासे भी लेके आया करो तालीम बालगा की। आ जाते हैं कहाँ से पता नहीं। उफ, मुफ्त में चाय पी ली, बिस्किट खा लिए। हाय हाय। सारम ने कहा था कि मैं जुम्मे को वापस आ जाऊंगा। हाँ अम्मी, कहा तो यही था। और आज इतवार हो गए, भाई तो अपना फोन भी नहीं अटेंड कर रहे, बल्कि स्विच ऑफ जा रहा है। हो सकता है ऑफिस में काम ज्यादा हो तो उसमें मसरूफ हो गया हो। लेकिन अम्मी मंडे से तो भाई ने ऑफिस ज्वाइन करना है यहाँ पर। हाँ ठीक कह रही हो, हो सकता है रात को आ जाए। हाँ अम्मी हम आ गए। लोग शादी से तो आ रहे हैं। शादी? काश आप दोनों भी हमारे साथ होते, वहां बहुत एंजॉय करते। भाई क्या कह रहे हैं आप, आपको गांव की शादी में मजा आया? फिर ऑनेस्टली सच बताऊं, मुझे गांव की शादी कराची की शादी से बहुत अच्छी लगी, टू गुड, मजा आ गया। मगर मुझे तो बताना चाहिए था। कब हुई शादी? परसों शादी थी, है ना सर? क्या आप लोग उस शादी को अटेंड कर रहे थे? हाँ हाँ, हम लोग वहीं से तो आ रहे हैं। हमारे पास एक सरप्राइज भी आप लोगों के लिए, हमारे साथ दादी भी आई हैं। दादी कहाँ हैं? कहाँ रह गए? आइए दादी। अरे कहाँ हो सरीन? आइए दादी। अरे अच्छा किया माँ, आप आ गई, मैं तो इंतजार कर रही थी। मिल ना दादी से, मिल। अस्सलामुअलैकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम जी। बैठे बैठे आप, आजा तू इधर आजा। नुशाबा बाजी आप तो बहुत खूबसूरत हो गई हैं। ऐ कदों सोनी नहीं सी, ऐ ते हमेशा तो सोनी है। हमें ये मोहतरमा तो नखरे दिखा रही थी, आने को तैयार ही नहीं थी। फिर मैंने इनसे कहा कि अम्मी ने तुम्हें बुलवाया है, बस जबरदस्ती लेकर आ गया साथ। अच्छा किया अपने साथ ले आए।
है मेरा बच्चा। मैं सारा की माँ को तुम्हें बहुत बेवकूफ और सीधी सादी सी खातून समझता था, मगर आज उनकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि वो बेहद तेज तरार किस्म की खातून। बेटा आजकल बेवकूफ है कौन, और जो अपने मुंह से अपने आप को बेवकूफ कहते हैं ना, वो दूसरों के कान काट रहे होते हैं। बात यह है बेटा कि वो एक तनतन्हा औरत है, और शादी के इस मामले में वो किसी अपने अजीज को भी शामिल नहीं करना चाहती। तो यार जितनी उनकी समझ बूझ है उसी हिसाब से वो बातें भी कर रहे हैं। लेकिन अब वो बातें तो उन्होंने बहुत चालाकी की हैं यार। दुनिया से उन्होंने कोई अनोखी बात तो नहीं कर दी। अरे भाई शादी ब्याह के मामलात में सब वालदैन की ये ख्वाहिश होती है कि उनकी बच्चियों की शादियां धूमधाम से हों। हाँ तो हम हर चीज अपनी तरफ से अच्छी लेकर जाएंगे, लेकिन अगर वो हमें ये कहें कि हमें लड़की की बरी उनकी फरमाइश के हिसाब से करनी है तो हम ये नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में तो आप कितनी अच्छी चीजें ले जाएं अम्मी, वो जरूर उसमें से कीड़े निकालेंगे। अरे भाई उसका हल भी मौजूद है हमारे पास। मुनीरा आप उन्हें कह दीजिएगा कि बरी में हम लड़की को सोने का एक सेट और चार चूड़ियां देंगे, और कपड़ों के लिए लड़की को 1,00,000 रुपया देंगे, वो उसमें एक जोड़ा बनाए या दो ये उनकी मर्जी पे मुनहसर है। अबू बिल्कुल ठीक कह रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो इस पे राजी होंगे, देखते हैं। ये बात तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, बल्कि काबिले कबूल ही नहीं है। भाई 1,00,000 की अहमियत क्या है आजकल के दौर में है? अरे दुल्हनों का जोड़ा 3-3 लाख रुपए से कम नहीं बनता, और वलीमे का तो उससे भी ज्यादा। आप शायद ये भूल रही हैं कि इतनी कीमती जोड़े मिडिल तबके में नहीं बनते, अमीरों के तबके में बनते। फिर भी कुछ ढंग का तो। देखें आजकल दुल्हन का जोड़ा 5,000 में भी बन जाता है, लेकिन 15-20,000 में तो अच्छा खासा बेहतर बन जाता है। मगर मुझे तो 1,00,000 रुपए कम ही लग रहा है। आप जानती तो हैं अदनान कोई बिजनेस नहीं करता, कॉलेज में पढ़ाता। नौकरी तो कई अरसे से कर रहा है ना, कुछ जोड़ तोड़ के तो रखा ही होगा। मुनीरा बहन आप अपने घर जाकर एक बार फिर मशवरा कर ले, और अगर कपड़ों के पैसे बढ़ा देंगी तो मुझे खुशी होगी। ठीक है मैं 1-2 दिन में बात करके आपको बता। मुनीरा बहन आप हमसे हमारी जान का टुकड़ा मांग रही है, कोई गाजर मूली खरीदने नहीं आई। जो कपड़ों के पैसे देते हुए इतनी कंजूसी का मुजाहरा कर रही है। देखें हर कोई अपने बजट के मुताबिक चला करता है। अरे हम नहीं बनाते बजट, बजट जो चीज पसंद आती है खरीद लेते और अपना दिल नहीं मारते, और ना ही कभी बजट की आदत डाली है। हाय हाय क्या फायदा, आज भूखे रहे कल की फिक्र करनी शुरू कर दे। हाय दफा। अच्छा मैं चलती हूँ। तौबा 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 कैसे कंजूस लोगों से पाला पड़ गया है। हाय हाय अपना पैसा दांतों के नीचे दबा के रखते हैं। अरे कमबख्तो अगर ये पैसा खुशी पे खर्च नहीं करोगे तो क्या गम में करोगे। नुशाबा के आने से तुम्हारे तो मजे आ गए, वरना घर में सारा दिन अकेली बोर होती होगी। हाँ दादी जान, नुशाबा बाजी जितनी शक्ल की प्यारी है ना उतनी ही मिजाज की भी अच्छी है। मुझे तो ऐसा लगता है से मेरे पास कोई बड़ी बहन आ गई हो। अरे बहनी तो है तुम्हारी। नशाबा बाजी अब मैं आपको गांव वापस नहीं जाने दूंगी, कि यही रहेंगी मेरे पास। तो इसने कहां जाना है अब? वानिया जी अम्मी। वानिया मेरी बात सुनो। मैं भी आती आपने जरूर सैलेड बनवानी होगी, लेकिन शबा बाजी ने पहले ही सैलेड बना दिए और रायता भी। ये जो तुम उठते बैठते नुशाबा की तस्बीह पढ़ती रहती हो ना, ये बंद कर दो। हर वक्त तुम उसकी तारीफें करती रहती हो। तुम्हारी दादी ना मेरे पीछे पड़ जाएगी कि बहुत अच्छी इसी को बहू बनाओ। अम्मी तो नुशाबा बाजी वाकई बहुत अच्छी है, अगर उसकी शादी सारे भाई से हो जाए तो क्या बुराई है। सारी जिंदगी
मेरे ससुराल वालों ने मुझे बुराइयों के ताने देते रहे। क्या चाहती हो तुम कि अब मेरा अपना बुढ़ापा भी खराब कर लूं? अम्मी, क्या वाकई आपको नशाबा बिल्कुल भी पसंद नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी हर खूबसूरत चीज अच्छी नहीं होती, जहरीली भी होती है, और कुछ चीजें तो बस्तीन का सांप होती है। उनसे जितना दूर रहा जाए ना, उतना ही अच्छा होता है, समझी? सीरियसली दादी, मुझे वो मकई की रोटी और सरसों का साग मजे का बहुत ज्यादा। चंगा सारे बेटा, तुम आगे तुम ऐसा करो, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती। अरे अम्मी, मैं तो अपनी दादी जान से मिलकर इनको देखकर ही फ्रेश हो चुका हूँ। पर सुने, आज आप चाय क्यों बनाएंगी? चाय नौशाबा बनाएगी अभी। जरा हम भी तो देखें कि ये गांव वाले चाय बनाते कैसे। अच्छा, अगर आप कहें तो आपके लिए कॉफी बना कर दूं। तुम एक काम करो, तुम एक कप चाय भी बनाओ और एक कप कॉफी भी। दोनों चीजें अगर फर्स्ट क्लास बनती हैं तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने लेकर जाऊंगा बाहर। पक्की बात ना? मैं अब कसम खा के देखिए दिलाने से तरह। डन डील, अभी। डन, मैं भी बना कर लाती। तू ना मेरे लिए भी आइसक्रीम ले आई। दादी जान, आइसक्रीम तो पैक करा कर आपके लिए लेकर आ ही जाऊंगा मैं, लेकिन आपके कहे बगैर मैं आपके लिए पॉपकॉर्न और आपके वो स्पाइसी मिर्च वाले चिप्स भी लेकर आऊँ, गाड़ी में रखे। तुझे सारी बातें याद रहती है? बिल्कुल याद रहती है, मुझे तो यहाँ तक याद है कि नौशाबा वो खाया गया और उसे चाइनीज बिल्कुल ना पसंद है ना, अभी तक है। वो तो पुरानी बात है, अब तो नौशाबा चाइनीज खाने ऐसे ऐसे बनाती है कि चाइना वाले बहुत भूल गए। सभी लड़के एक जैसे होते हैं, लड़कियों के पीछे फिरने वाले, लड़कियों के हमराई खुश दिखाई देने वाले और अपने आप को हीरो साबित करने वाले, मगर हकीकत में जीरो पर्सनैलिटी वाले। और सारे तुम भी वही हो जो दिखाई देते हो, मगर मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोच रही हूँ? तो फैन ही तुम पर एक आम से लड़के के बारे में सोचे चली जा रही हो। अगर वो किसी लड़की के साथ शॉपिंग कर रहा था या घूम रहा था तो मेरी बला से जाएगी। सारे दर्जी के पास मेरे गर्मियों के कपड़े सिले पड़े हुए, सिर्फ उठा के लाने हैं, मेरे साथ चलो। अरे मम्मी, टाइम तो देखें जरा, 10 बज चुके हैं, आपके टेलर की दुकान बंद हो चुकी होगी, कल चलेंगे ना? और वैसे भी अभी मेरा दोस्तों के साथ प्लान है। वैसे नौशाबा, जबरदस्त गेम खेला तुमने, जीत तो तुम्हारी है। अगर मेरी जीत की इतनी ही खुशी है तो मुझे सी साइड पर लेकर चलो, पागल तो नहीं होगी? मेरा मतलब है कि इस वक्त रात को सी साइड पे कौन जाता है? अरे मम्मी, इसी टाइम पे तो सी साइड जाया जाता है, मजा आता है ना वहां। सारे अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें दोस्तों के साथ जाना है, और अब तो दोस्तों को फोन करके भी मना कर देता हूं। अरे भाई, नौशाबा इतने दिनों बाद तो कराची आई है, उसको कराची दिखाना है, वरना गांव जाके क्या सोचेगी? क्यों दादी, क्या कहती हैं?
हमसफर मेरी। सारा के कपड़ों के 1 लाख रुपए आपको कम लग रहे थे ना? जाहिर है, इस महंगाई के दौर में 1 लाख रुपए में बरी कहाँ बनती है। हम आपको 1.5 लाख तक दे सकते हैं। चलो कुछ खाक धूल हो ही जाएगा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम अपने भाई के साथ क्यों नहीं गई? दोनों ऐसे जा रहे थे कि जैसे दूल्हा दुल्हन जा रहे हो। रूप बदले तो कोई पहचान।